सबसे पहले आपको हम तीन तस्वीरें दिखाते हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखिए और फिर आप सोचिए कि आखिरकार राजस्थान में हो क्या रहा है। पहले तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां पुलिस से एक महिला ने मदद मांगी तो थानाधिकारी उसका नंबर लेकर उसको अश्लील मैसेजेस करता है। दूसरी खबर श्रीगंगानगर की है, जहां चोरी के आरोप में पुलिस ने चोर की मां को ही सजा दे दी और आरोप यहां तक है कि बुजुर्ग महिला के कपड़े भी फाड़ दिए गए। तीसरी खबर जोधपुर की है, जहां पर महिला कांस्टेबल ने पुलिस विभाग में कार्यरत दो सिपाहियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, यानी आरोपों के घेरे पर खाकी है, जिन पर आम लोगों की रक्षा का दारोमदार है वही अब भक्षक बनते जा रहे हैं। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो उम्मीद हम किससे करें। कुछ ऐसा ही साबित किया है हनुमानगढ़ पुलिस के एक निरीक्षक ने। मामला हनुमानगढ़ जंक्शन का है। यहां एक महिला ने पारिवारिक मुकदमे को लेकर थानाधिकारी नारायण सिंह भाटी से मदद मांगी। मदद के बदले थानाधिकारी महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेजेस भेजना शुरू किया। इस हरकत पर महिला ने थानाधिकारी को समझाया भी, लेकिन उसकी हरकत बढ़ती गई। इस बीच थानाधिकारी का तबादला हो गया, लेकिन मैसेजेस और फोन कॉल आने का सिलसिला नहीं थमा। तंग आकर महिला ने हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। फिलहाल महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आप सही जांच करवा दो, जो भी प्रॉब्लम है जांच तो सही होनी चाहिए। पुलिस सही जांच नहीं कर रही है, बोलते ठीक है मैं सही जांच करवा दूंगा। इसके बाद उन्होंने गलत मैसेज भेजने शुरू कर दिए और गंदी गंदी बातें फोन पे भी करने लगे। रात को 9-10 बजे फोन करते और गलत बोलते। मेरे पास कल एक डाक में परिवाद आया था, जिसमें कुछ अश्लील मैसेज को लेकर परिवाद दिया गया था। तो इसमें सीओ लेवल के सीओ स्तर के अधिकारी से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके 5 दिवस में पता लगाया जाएगा कि क्या कॉग्निजिबल ऑफेंस किस प्रकार का बनता है। यदि कुछ होगा तो उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस का वो नारा जिसमें कहा जाता है कि अपराधियों में डर और आम लोगों में विश्वास, लेकिन श्रीगंगानगर की सहानी खातून नाम की महिला जिले के पुलिस कप्तान से पुलिस की हकीकत कुछ दूसरे अंदाज में बयां कर रही है। महिला ने एसपी को बताया कि उसके बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा तो परिवार के बाकी सदस्यों पर पुलिस बर्बर तरीके से पेश आई। घर में घुसते ही पुलिसकर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। हालांकि एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं पुलिस एक बार घर में पहुंच गया, मैं पूछा पुलिस साहब क्या हुआ, कोई बात है क्या, इतने में मेरे को मरना चालू कर दिया। लड़के लेटरिंग में थे, टॉयलेट में टॉयलेट करते थे, उसको पकड़ के ला के पोड़ी पर मारा, फिर पोड़ी पर मार के उसको खींच के ले गया। मेरी बेटा चिल्लाने लग गया, अरमान वो स्कूल जाने वाला था, बीमार है, उसको भी 2 चमेटा मारा। मेरी लड़की चिल्लाने लग गई फरीदा, उसको भी 2 चमेटा मारा। मेरे कपड़े फाड़ के बाल पूरा, लेडीज पुलिस मेरा हाथ पकड़ रही थी और जैस जो था पुलिस वाले मेरे को तपड़े तपड़े बाल पकड़ के कपड़े फाड़ के मेरे मुंह पर चमेटे चमेटे मार रहे थे। वही जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों। मामला आरएसी से जुड़ा है, जहां पर एक महिला सिपाही ने अपने 2 साथी कांस्टेबल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कांस्टेबल का नाम भंवर सिंह और गिरधारी सिंह है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो तीन अलग अलग जो की खबरें हमने आपको दिखाई। अब सवाल अहम है कि आदमी विश्वास किस पर करे, आम जनता किस पर विश्वास करे, क्योंकि यहां पर खाकी ही सवालों के घेरे में है। आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्चना शर्मा उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चर्चा में जुड़ रही हैं। शीलदा भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा में जुड़ रहे हैं, आप दोनों का स्वागत है। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल शील जी आपसे ही है, तीन घटनाएं हमने दिखा दी अलग अलग जगहों की, सवालों में खाकी है। हनुमानगढ़ का हम जिक्र करेंगे, एसपी कह रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं, जांच बिठा दी है। अगर खाकी आरोपी नहीं होता, कोई सिविलियन आरोपी होता, तो क्या एसपी साहब का जवाब उतना ही सपाट होता कि हम जांच करेंगे? देखिए धर्मराज जी, आपने जो तीनों घटनाएं दिखाई हैं वो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है और सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान कि जिस पुलिस पर सरकार ने भरोसा किया, जिनको थानों में बिठाया, जिन पर पूरे प्रदेश की, न केवल महिलाओं की बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जब महिलाएं थाने में जाती हैं उनसे इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो मैं समझती हूं कि ऐसे अधिकारियों के साथ में जो भी
सजा होनी चाहिए वो उसको दी जानी चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई रियायत का प्रश्न ही नहीं होता। सजा अर्चना जी, अर्चना जी सजा कौन देगा, आप दीजिएगा या हम लोग कोई देंगे या सरकार देगी? देखिए धर्मराज, घटनाएं तो निरंतर घट रही हैं, प्रतिदिन ऐसी कोई ना कोई घटना संज्ञान में आती है जहां महिला का प्रताड़ना हुई हो, उसका अपमान हुआ हो। लेकिन विचारणीय मुद्दा ये हो जाता है कि जिस पुलिस प्रशासन पर ही जिम्मेदारियों से सुरक्षा देने की, समाज को सुरक्षित महसूस करवाने की, उसी के नुमाइंदे ऐसे कोई कारनामों को अंजाम दे जो इस तरह की घटना को बयां करता हो कि महिला के साथ अभद्र मैसेज का आदान प्रदान किया जा रहा हो, उसे धमकाया जा रहा हो, उसके साथ अश्लील बातें की जा रही हो, साथ ही साथ किसी लड़के की गलती उसकी माँ के साथ अभद्रता मारपीट की जा रही हो, तो सारी चीजें बयां करती है कि जो इंटॉलरेंस शासन में है वो प्रशासन में रिफ्लेक्ट हो रही है। और यही कारण है कि आपने बहुत सीधा सा प्रश्न पूछा था शील जी से, क्या एक आम व्यक्ति ऐसा कोई व्यवहार करता किसी महिला से तो क्या पुलिस कप्तान का यही जवाब होता? मैं कहती हूँ उस समय जब मीडिया इसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो मुझे लगता है उस ग्रीवेंस को अटेंड ही नहीं करती पुलिस, क्योंकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, विशेषकर वर्बल अब्यूज हो या टेलीफोनिक कोई मिसयूज हो, तो उसको तो पुलिस गंभीरता से लेती ही नहीं है। और ये तो स्थिति तब होती है जब तक मीडिया इंटरफेरेंस ना हो, कोई रसूखदार व्यक्ति ना हो, तो पुलिस के लिए ये कोई प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। तो ये सारी चीजें चूंकि समाचार प्लस प्रमुखता के साथ उठा रहा है तो मैं उम्मीद करती हूँ शायद न्याय मिल जाए। और यहाँ पर जांच बिठाने की क्या आवश्यकता है, वो तो एविडेंस के साथ पहुंचे, उसके टेलीफोन कॉल्स आए हैं, उसके पास SMS आए, तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले APO करके और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और फिर जांच बिठा दे उसकी। बिल्कुल, SP उसको बचाने में लगे हुए। ठीक है अर्चना जी, मैं अमिताभ जी को चर्चा में लेता हूँ। अमिताभ जी, तीन खबरें हमने दिखा दी, सवाल खाकी पर है, एतबार कैसे आम जनता करे? शील जी, आज हमें ये शो करना था, बिग बुलेटिन करना था, होमगार्ड्स जो आंदोलन पर है उस पर, उस विषय पर करना था, लेकिन जब देर शाम मेरे संज्ञान में तीन घटनाएं आई और तीनों में पुलिस का महिला पर अत्याचार, मुझे लगा कि तीन हिस्से हैं राजस्थान के, वहां से एक सी ही दुर्गंध आ रही है, जोधपुर से भी, श्रीगंगानगर से भी, और तीसरा स्थान हनुमानगढ़। पुलिस पर आम आदमी कैसे भरोसा करे, ये एक सवाल है, और इससे भी गंभीर सवाल है पुलिस पर महिला कैसे भरोसा करे। आम आदमी का मसला पीछे छूट गया, इसलिए मैंने वो मुद्दा आज छोड़ा, होमगार्ड्स वाला, वो भी मुद्दा मेरे लिए संवेदनशील था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, आधी आबादी की प्रतिष्ठा और सम्मान का सवाल है, पुलिस अधिकारी महिला के कपड़े फाड़ दे, हम करें किसी जघन्य अपराध में हो। अर्चना शर्मा ने कहा कि उसका बेटा का अपराध था, मैं कहता हूं अर्चना जी, महिला का भी अपराध हो तो भी महिला के कपड़े फाड़ने का हकूक तो किसी को नहीं दिया संविधान ने, कानून ने, महिला का जो सम्मान है, जो महिला तत्व है, वुमनहुड जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका सम्मान तो आपको करना पड़ेगा, ये तो अपराधी नहीं थी। मैं कह रहा हूं अपराधी भी हो महिला तो भी क्या आप ये व्यवहार करेंगे, कपड़े फाड़ देंगे उसके? एक दूसरा, आपके पास मदद मांगने की, आप उससे प्रेमालाप करने लगे, वो भी जबरिया, राजी से करते तो मैं विषय नहीं उठाता, आप उसको इसलिए उसका शोषण करने लगे कि अगर तुमको मदद चाहिए तो तुमको ये मदद एक्सटेंड करनी पड़ेगी हमको। तीसरी परिस्थिति आपने देखी शील भाई जी, मामला इतना सरल नहीं है, तीन घटनाएं एक साथ, और छोड़िए ये तो आम महिलाएं थी शील जी, आम महिलाएं थी, ग्रेविटी को समझिए मुद्दे की, एक तीसरा है जो घटना है, तीसरी जो इंसिडेंट है, उसमें तो महिला सिपाही है जो कह रही हमें नहीं छोड़ा हमारे साथियों ने, अब बताइए, ननकू की बीवी को नहीं छोड़ा, रज्जाक की बीवी को नहीं छोड़ा, और सिपाही महिला सिपाही को भी नहीं छोड़ा, फिर छोड़ेंगे किसको? अब सवाल यह नहीं कि क्या किया, शील जी मेरे आज का विषय है अब किसको छोड़ेंगे, जनता को छोड़िए, विभाग में महिला सुरक्षित नहीं पुलिस की, तो किसको छोड़ेंगे शील जी? बिल्कुल अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि जब महिलाओं पर अपने घर से निकलती हैं या माता तो पिता जब उनको ये तो निबंध का एक बात होगी। मैंने तो ग्रेविटी बता दी घटनाओं की, मैं उसे पढ़ रही है, समय कम है, उसे पढ़ रही है। महिला सिपाही सुरक्षित नहीं थाने में, आप मुझे ये बता दो महिला थाने का क्या ओढ़े के बिछाए क्या होगा फिर? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं यही कह रही हूँ कि माँ बाप अपने बच्चियों को पुलिस में इसलिए भेजते हैं कि वो स्वयं तो सुरक्षित रहेगी और दूसरे लोगों को भी वो सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और ये सरकार के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब स्वयं कांस्टेबल होके उस थानों में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? पुलिस का इकबाल कायम करने के लिए, जनता में इकबाल कायम हो, इसके लिए गृहमंत्री जी को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। जी, जनता छोड़ो, अभी तो थाने के अंदर जो महिला सिपाही है उसका स्त्रीत्व जो है वो कैसे बचे उस पर जिरह करनी है। बिल्कुल, जनता छोड़ो, जो वहां पर एसपी है, जो बड़े ऑफिसर हैं, उनको तुरंत रूप से कार्रवाई कर देनी चाहिए। और मैं कहती हूँ एपीओ करें या जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच करके उसके कार्रवाई हो और उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि और जो लोग जांच में तो कुछ हमको पता है कैसे जांच होती है। जब तक आदमी पद पर रहता है उसके खिलाफ उसी थाने में जांच का कोई मतलब नहीं होता। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहता है आदमी को पद से हटाइए तब जांच हो। अर्चना जी, ये तीन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आई शर्म है, इन तीनों शर्मों को हम यहां स्टूडियो में एक साथ क्लब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। एक त्रिस्तरीय शर्म उभर कर सामने आई, इस शर्म का क्या करें? ये अमिताभ जी, ये शर्म किसके लिए, ये समझने की बात है। समाज में किस तरह की प्रवृत्तियां पनप रही हैं, कैसे लोग महिला के जिस कृत्व की आप बात करें वुमनहुड की, उसके प्रति क्या रवैया रखते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन सबसे गंभीर बात यहां पर इसलिए बनती है कि यहां वो लोग इन्वॉल्व हैं महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने में जो लोग शासन की तरफ से नियुक्त हैं उसे सुरक्षा देने के लिए। ऐसी अवस्था में इसकी गंभीरता बढ़ती है। यदि कोई मन चला जाता है महिला को उसका नंबर लेके उसको उसके साथ मैसेज भेजना शुरू करे, उसको उसके साथ ईव टीजिंग करे तो समझ में आता है। लेकिन वो महिला जो स्वयं पहले से प्रताड़ित है, पारिवारिक प्रताड़ना की शिकार है, वो जाकर पुलिस में एक गुहार लगाती कि उसे सुरक्षा दी जाए, उसके बदले में वो उससे फेवर चाहता है पुलिस अधिकारी। ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करने के साथ उसके खिलाफ जो सजा सुनिश्चित होती है एक आम नागरिक के लिए भारत के संविधान के अनुसार, वो सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। एसपी को क्या रिलक्टेंस है स्वीकार करने में जब तथ्यों के साथ वहां पर बात कही गई है? लेकिन मुझे लगता है अमिताभ जी, अगर ये चैनल इंटरवीन नहीं करता, मीडिया इसका माध्यम नहीं होता, तो मुझे लगता है वो एसपी उस ग्रीवेंस को अटेंड भी नहीं करते। कहीं उस महिला की बात जिसकी घर में जाके कपड़े फाड़ दिए, भाई कपड़े फाड़ना छोड़िए, किसी महिला के साथ हाथापाई का भी अधिकार नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। ये स्थितियां बयां करती हैं कि जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो इस राजस्थान की जनता विशेषकर आदि आबादी के लिए बहुत ही ऐसा मुद्दा बन जाता है जिसमें सोचने के लिए मजबूर है कि अपनी रक्षा के लिए कहां गुहार लगाएं। शील जी, ये संयोग है कि हमारी दोनों काबिल मेहमान महिला है और तीन महिलाओं के स्त्रीत्व का प्रश्न आज उठा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ, आपने कानून पढ़े होंगे, निर्भया के बाद जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किए भारत ने, वो आपके संज्ञान में होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे आपके संज्ञान में, उनको दोहराना नहीं चाहता, समय कम है। उनका एक सूत्र मैं बताई देता हूं, सूत्र ये है कि महिला की शिकायत पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, सूत्र ये है संसद का और सर्वोच्च अदालत का, ठीक। उसने दिखाया कि भाई ये देखो हमसे दरोगा ये चाह रहा है कि जल्दी आओ कहां मिलोगी, ठीक। एक ने दिखाया कि भाई दरोगा ने आके हमारे कपड़े फाड़ दिए, तीसरे ने आपकी मुलाजिम ने कहा कि हमारे साथ थाने में ही दो सिपाहियों ने बदसलूकी कर दी। इनमें तीनों में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एपीओ पीपीओ ये सब कुछ नहीं मैं जानता, ये करो नहीं करो आप जानो, मैं तो पूछ रहा हूं गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कानून कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानून की समझ तो है ना शील जी? हम आप सब जानते हैं कानून, ये अनपढ़ लोग नहीं भी बिचारे जाने, हम आपको तो जानना चाहिए। तो कानून जब गिरफ्तारी की परमिशन देता है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई तत्काल प्रभाव से, विधिवर्दी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई शील जी?
बिल्कुल अमिताभ जी, एक महिला होने के नाते मैं अर्चना जी का भी समर्थन, हम दोनों इस बात पर पूर्ण सहमत हैं कि जो कुछ भी ये घटनाएं हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, और अब तक जो ढिलाई हुई वो भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए थी। एसपी को तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी वो जांच की बात कर रहे हैं, जांच इतने लंबे समय में नहीं रखनी चाहिए थी। और मैं मानती हूँ कि ये पुलिस की ये ढिलाई बिल्कुल ही सहनीय योग्य नहीं है। जी शील जी, पचौरी साहब का नाम सुना है? दुनिया के स्तर पर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, टीआरआई के चेयरमैन थे, ठीक। उनके संस्थान की एक ट्रेनी ने आरोप लगाया उन पर, गिरफ्तारी हुई, ठीक। तहलका के तरुण तेजपाल का नाम सुना होगा। ऐसे में 100 उदाहरण दे दूं। कानून कहता है पहले गिरफ्तारी, जांच बाद में। यह बात क्यों नहीं समझ आ रही भाई आपको? यह मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा मूल सवाल इतने पर फोकस है, इससे दाएं बाएं कुछ नहीं। पहले गिरफ्तारी, जांच बाद में। कानून कहता है क्राइम अगेंस्ट वुमन में, राइट, महिला के प्रति अपराध के मामलों में भारत का कानून दो टूक है, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। इन तीन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दो पुलिस अधिकारी और दो सिपाही, इन चार की। शील जी देखिए अमिताभ जी, अभी जैसे कि अभी बाइक वो दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में अगर पाया जाता है एसपी कानून से ऊपर है क्या? तो नहीं, बिल्कुल एसपी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ऊपर है क्या आपके यहाँ? मैं भी यही कह रही हूँ अमिताभ। पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उससे वहां दरोगा ऊपर है क्या एसपी? अमिताभ जी, ये बात पूरी तरह संवेदनशील मुद्दे को लेकर है, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है। यदि उसकी सुरक्षा को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2012 में हुआ निर्भया कांड के बाद, उसकी अनुपालना में जो कोताही बरते उसके खिलाफ भी प्रावधान है, चाहे वो पुलिस अधिकारी या कोई भी हो। लेकिन समस्या ये है अमिताभ जी कि जब प्रदेश की मुखिया महिलाओं, मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बोल रही, लेकिन कम से कम वो तो एक संदेश दे कि महिला के उत्पीड़न पर हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करेंगे, तो मैं समझती हूँ उसमें ना तो कोई वाद विवाद होगा ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें आएगा। लेकिन समस्या ये है कि जिस स्त्रीत्व की आप बात कर रहे थे, उसकी कमोबेश कमी मुझे यहाँ के नेतृत्व में लगती है। इसलिए नहीं कि वुमेनहुड उनमें नहीं है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती गई तो शायद उन्होंने उस गुण को तच करके और पौरुष को ज्यादा ग्रहण किया, इससे स्थितियां उत्पन्न हो रही है। वरना आप देखिए पूर्ववर्ती शासन में जब जब घटनाएं घटी, तो मुख्यमंत्री हो या हमारे कोई और नेता फोर फ्रंट पे आकर इन चीजों को फेस करके सजा सुनिश्चित करवाने का काम करते थे। ये वो लोग थे जो भवरी कांड में चिल्लाते थे और कई कांड में, लेकिन उसमें किसी स्तर का समझौता हमने नहीं किया। तो जिस स्त्रीत्व को लेकर के आपने व्याख्या की, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। और उसकी संरक्षा के लिए यदि महिला मुख्यमंत्री आगे नहीं आ सकती, उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 की अनुपालना नहीं करवा सकती, तो राजस्थान की आधी आबादी सुरक्षित ही महसूस करेगी। पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार होंगे, पुलिस कांस्टेबल सुरक्षित नहीं हो, यहाँ तो आरएएस ऑफिसर्स हैं, वो खुद यौन उत्पीड़न की या उनके साथ कह सकते हैं कि वर्बल अब्यूज की बहुत सी घटनाएं होती है, उस तक की जांच नहीं होती। तो स्थितियां बहुत खराब है। और इन्हीं की जो केंद्र में मंत्री है वो कहती है कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी जांच और उसके खिलाफ कार्रवाई, किसी के प्रति टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, उनकी बात की सुनवाई नहीं होती। तो स्थितियां ऐसी इसलिए है क्योंकि महिलाओं के प्रति जो एम बहुत अच्छी सोच जी। फिर वही सवाल, कानून कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, फर्स्ट एक्शन गिरफ्तारी, भारत का कानून कहता है जिससे हम सब बंधे हैं, किसी पार्टी के हो किसी रंग के हो। यहां पर उस कानून की अनुपालना क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मैं समझना चाह रहा अमिताभ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात मुखिया की नहीं है कि मुखिया महिला है या पुरुष है, ये सवाल ऐसा है जो पार्टी से हटकर है, ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये इस पर तो तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर पुरुष अगर मानसिकता की बात नहीं कर रहा, मानसिकता को बोरे में बंद करो। मानसिकता क्या होती है? अभी मानसिकता बदलने में 1000 साल लगेगा, तुम चुप रहेंगे? मैं कह रहा हूँ भारत का क्रिमिनल लॉ कहता है पहले गिरफ्तारी। और आपका ज्ञान बढ़ाऊं, 7 साल के भीतर शादी में अगर महिला रिपोर्ट लिखाए तो दरोगा जांच नहीं करेगा, एसडीएम जांच करेगा, और जिन जिन के नाम महिला लिखा देगी पहले वो लोग गिरफ्तार होंगे, राइट। तो कानून से बंधे हो कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं शील जी, ये कानून से परे चले गए, ये जानना चाह रहा हूं।
नहीं बिल्कुल कानून सबके लिए समान है। तो आप लागू नहीं कर रहे हैं। बार बार ये कहना है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सरकार को भी, सरकार गृह मंत्री जी से भी कह रही हूँ मैं कि उनको आदेश जारी करने चाहिए, इसमें ढिलाई किसी भी हाल में बर्दाश्त होनी ही नहीं चाहिए और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस जो महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में है वो आज भी कायम है और इसको महिला और पुरुष में बांटना बिल्कुल सही नहीं है। जो गलत हुआ है, जो पुलिस ने किया है, जिस पुलिस का इकबाल कायम करना होगा सरकार को। मैं आपने दुनिया की बातें अच्छी अच्छी कह दी, जीरो टॉलरेंस और नाना प्रकार के अच्छे अच्छे शब्द, लेकिन मेरा जो निवेदन था वो निवेदन इतना था, ये दो दरोगा दो सिपाही गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई अलग कानून है क्या वहां? मेरे हिसाब से तो भारत का ही कानून लागू होगा। अमिताभ जी मैं भी बार बार यही कह रही हूँ, सरकार वो नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए। और वो पुलिस पुलिस जो ऑफिसर है, एसपी है, जो भी किसी भी रैंक का ऑफिसर है, उसको तुरंत उन कॉन्स्टेबल्स के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और जो भी सजा है वो तुरंत। लेकिन यहाँ पर जीरो टॉलरेंस आपने नहीं दिखाया। अर्चना जी, एक तो हमने बाइट आपको सुना दी, एक जो एसपी साहब थे वो किस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं क्योंकि वर्दी पर आरोप लगा है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, कल कोटा की हमने खबर चलाई थी जिसमें लड़कियों को ईव टीजिंग का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने लड़कियों ने एक उसका एक एमएमएस बना लिया था। कल एसपी से जब हमने लड़कियों की बात करा, एसपी ने तमाम बातें कह दी, लेकिन जब लड़की अपने उनकी एसपी की बात को काट रही थी, उन्होंने अपनी बात को फोन हमारा काट दिया था, कल की बात बता रहा हूं। तो ये वरिष्ठ पुलिस कर्मियों का रुख है। देखिए धर्मराज, मैंने शुरू में ही कही ये बात और हमेशा कही जाती रही पूरे विश्व में कि महिला के प्रति जो अपराध होता है उसके लिए एक मानसिक रूप से शायद पूरे विश्व में ये व्यवस्था है कि उसको बहुत बड़ी तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि भाई आप अपराधियों में बहने उत्पन्न कर सकते हैं, आप उन पर अंकुश नहीं लगा सकते, तो कम से कम अपने प्रशासनिक अधिकारी जो ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं उनको तो घर बिठाने का काम करिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजे, चार पांच को कर देंगे, संदेश पूरे प्रशासन में जाएगा। लेकिन यहां हम शील्ड करने का प्रयास करें, या वो उच्च स्तर के अधिकारी जो इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं वो उनकी रिलक्टेंस सामने आती है, तब समझ में आता है कि उनकी मानसिकता आज भी वही रूढ़िवादी मानसिकता। नजीर सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रशासन में तो आप कह सकते हैं संदेश देना आसान है, उनको नहीं दे पा रहे की पार्टी नहीं दे पा रही। वक्त हमारा खत्म हो गया, अमिताभ जी संपादक। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा शील जी से, शील जी निर्भया कांड के बाद इस देश के सार्वजनिक जीवन के बहुत बड़े बड़े चेहरे फर्स्ट एफआईआर पर जेल चले गए। जितने उदाहरण याद थे अभी बता दिए, कभी फोन पर चर्चा होगी तो 100 उदाहरण एक सांस में आपको गिना दूंगा, 100, 99 नहीं। क्या हनुमानगढ़ में कोई भारत के कानून से अलग कानून है एसपी के लिए? क्या जोधपुर में दूसरा कानून है? क्या श्रीगंगानगर में भारत का कानून लागू नहीं? इतना सवाल था, उसका उत्तर नहीं आया, बाकी पूरी रामचरितमानस पर चर्चा हो गई। मैंने पूछा वो दो अभद्र किस्म के दरोगा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और वो दो दुष्ट सिपाही गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जांच होगी, ये तो बाद की चीज है, कानून कहता जांच बाद में, जांच अरेस्टिंग को फॉलो करेगी, यानी पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद जांच होगी, ठीक। ये आपका एसपी जांच पहले कैसे ले आया? ना समझ तो हो नहीं सकता, आईपीएस है। फिर क्या अपना कानून बना लिया इसने वहां अपने दफ्तर में, संसद खोल ली है? यह भारत का ही कानून चलता है आपके यहां? इस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। 7 करोड़ लोग जब आपको सुन रहे होंगे तो उनको निराशा हुई होगी। कोई अतिरिक्त चीज मैंने कहां मांगी? मैंने तो कहा ही नहीं कि कानून से बाहर जाके कुछ एक्शन ले लीजिए। मैंने कहा कानून जो कहता है उतना एक्शन क्यों नहीं लिया? एसपी ने इस दरोगा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार हो जाता तो अर्चना जी सहमत होंगी, एपीओ पीपीओ अब ऑटोमेटिकली हो जाता है आदमी, उसमें तो कुछ अलग से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। मैं वर्दी उतार के नहीं गिरफ्तार होगा, कैप के साथ तो जाएगा नहीं जेल, पजामा कुर्ता पहनता और जेल जाता। ये काम क्यों नहीं हुआ? बड़े बड़े लोग जेल गए जिनका बड़ा भारी आभा मंडल रहा देश में, वो लोग जेल गए क्राइम अगेंस्ट वुमन में, ये दरोगा क्यों नहीं जा गया? ऐसे मौकों पर आप चूक जाते हैं
और उसके बाद आप कहते हो कि भाई देखिए राजनीतिक कारणों से हमको घेरा जा रहा है। इसमें तो कोई नुकसान नहीं था ना, इसमें तो जो कुछ था आपको यश ही मिलना था। और अगर दो दरोगा दो सिपाही भी गिरफ्तार करने में जोर आए एसपी को, तब तो फिर जिला चल गया, फिर जिला नहीं चलता। एसपी की बदनामी नहीं होती शील जी, इस बात से आप सहमत होंगी। बदनामी मालूम किसकी होती है? बदनामी होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, उसी की होती है ना। नेकनामी तो एसपी के खाते में चली जा सकती है, बदनामी नहीं जाती, क्योंकि एसपी तो चुनाव नहीं लड़ेगा ना, दरोगा लड़ेगा। चुनाव लड़ेगी शील धवई अर्चना शर्मा, ठीक है ना। बड़ी अच्छी बात की अर्चना शर्मा जी ने, मैं उस बात से बड़ा मुतमईन हुआ कि भाई चलो क्रिमिनल्स को पकड़ना उनको दुरुस्त करने में टाइम लग सकता है, मान लिया, लगना नहीं चाहिए लेकिन चलो लग रहा, ठीक है। लेकिन जो आपका कर्मचारी है उसको जेल भेजने में तो समस्या नहीं, ना वो फरार हो सकता है, ना वो कहीं लुप्त हो सकता है, ना वो आपके खिलाफ बंदूक उठा सकता है, ना पुलिस पर फायरिंग कर सकता है, पुलिस पार्टी पर। उस दरोगा को गिरफ्तार करने के लिए तो कहीं जाना भी नहीं था, उसे थाने में अरेस्टिंग हो जाती। उस महिला को संतोष नहीं होता, केवल 3.5 करोड़ की जो महिला की आबादी है राजस्थान में, उस पूरे महिला समुदाय को लगता कि हां अब आया है जीरो टॉलरेंस। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरही सो नर न घनेरे। जीरो टॉलरेंस शब्द बोलना बहुत सरल है, उसको अमल में लाना लोहे के चने चबाना जैसा है शील जी, ये बात आप भी जानती होंगी। जीरो टॉलरेंस बोलना तो बहुत सरल है मंच पर, सेमिनार पर, स्टूडियो में, कि नहीं नहीं जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस को जब एग्जीक्यूट करवाएंगे आप तो पसीना आ जाता है। और आपको तो इतने छोटे मुलाजिम में पसीना आ रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? दो दरोगा और दो सिपाही, इससे छोटी इकाई है क्या कोई राज्य में? नहीं ना, प्रशासन की। आपको इनके साथ भी कानून के अनुरूप काम करने में संकोच है? क्यों संकोच है? इसका उत्तर जनता चाहेगी। ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें सबसे पहले महिला सुरक्षित हो, उसके बाद में पुरुष सुरक्षा आती। दुनिया भर में कहीं पूछ लीजिए, सुरक्षा का पहला दायरा, शासन की पहली जिम्मेदारी कल्याणकारी राज्य की महिला और बच्चे हैं, दूसरा चक्र पुरुष है। पहले चक्र में यह भी बात बहुत अच्छी इस बहस में उठी, अपराधी ऐसा करते जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, समझ में आता भाई उनको ढूंढ रहे हैं, पकड़ेंगे तभी तो सजा देंगे, फरार हो गए। ये तो वो लोग हैं जो हमसे ही तनख्वाह पा रहे, शासन से तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम हैं और ऐसा करते कर रहे। शील जी, रात में जब घर जाइएगा तो इत्मीनान से सोचिएगा उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी जो राजस्थान पुलिस की सिपाही है। वो जिंदगी भर इस ट्रॉमा से उबर पाएगी क्या कि मेरे ही थाने में मेरे ही दो सहकर्मियों ने मेरे साथ ये काम कर दिया? कभी उबर पाएगी? उसको अपनी वर्दी पर आत्मग्लानी नहीं होगी क्या? उसको ये नहीं लगेगा मैं कितनी निस्सहाय हूं? लगेगा ना। फिर महिला सिपाही से लेकर और महिला एसपी तक कोई हो, उसका मोरल कहां से आएगा, उसका आत्मबल कहां से आएगा? ये मसला एक महिला का नहीं, ये नारीत्व का मसला है, ये महिलाओं के आत्मसम्मान का मसला है, ये महिलाओं के आत्मबल का मसला है। ये तीनों चीजें दरकेंगी, इनको दरकने से रोकिए, अभी समय है। मेरा निवेदन है ऐसे सरकारी कर्मचारी बिना किसी विलंब के जेल भेजे जाने चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में सिर्फ शील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।